अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपसे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत खूबसूरत अहदीस मुबारक शेयर करने जा रही हूँ कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद पाक फरमाया कि दोज़ख वालों की दो किस्में ऐसी हैं जिन्हें मैंने नहीं देखा क्योंकि वो लोग अभी पैदा नहीं हुए। एक वो लोग जिनके साथ गाय के दुम की तरह लंबे लंबे कोरे होंगे जिनसे वो लोगों को मारते होंगे, और दूसरी वो औरतें जो लिबास पहन कर भी नंगी होंगी, गैर मर्दों को नाज नखरे से मटक मटक कर अपनी तरफ माइल करने वाली हैं। इनके सर ऐसे होंगे जैसे बख्ती ऊंट के कोहान, यानी सर पर बालों का जुना बनाकर रखेंगी, और वो ऊंचा होकर कोहान की तरह मालूम होगा। ऐसी औरतें ना जन्नत में दाखिल होंगी और ना इन इसकी खुशबू सूंघेंगी, हालाँकि इसकी खुशबू 500 साल के फासले से महसूस होती है। तो व्यूअर्स, हम ऐसा फैशन ही क्यों करें जिससे हमारे प्यारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश ना हो और हमारी आहरत खराब हो। इसीलिए आप नॉर्मली अबाया कैप लेकर उसके ऊपर स्कार्फ अच्छे तरीके से फिट कर लें, उससे भी आपकी खूबसूरती में इजाफा होगा और वो आपको अच्छा लगेगा। सो व्यूअर्स, दुल्हन बनते हुए या स्कार्फ लेते हुए आप इस बात का ख्याल कीजिएगा कि आपका हेयर स्टाइल भक्ति ऊँटियों जैसा मत हो कि आपने ऊपर जूरा बना के ऊपर स्कार्फ को फिट कर लें, ऐसा मत कीजिएगा। और इसके साथ ही अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और इस खूबसूरत अहदीस को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और साथ में अपने कमेंट्स भी दीजिएगा। इसके साथ ही अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।